Morning children, welcome to the maths class. Today we are going to solve mental ability worksheet number 6 and one more worksheet, that is revision of tables, that is worksheet 7. Now I will take this video into two parts beta. Okay, first I'm going to explain the mental ability. Mental ability means wherein the four options, four answers are given to you, you have to select the correct one. ठीक है, सो एज आई एम रीडिंग द क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल्सो साइमल्टेनियसली बेटर. ठीक है, सो ठीक है नाउ. ठीक है, हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 1. प्लीज बी रेडी विथ योर वर्कशीट. इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली यू कैन रिफर टू द वर्कशीट. सिट विथ द वर्कशीट एंड सॉल्व विथ मी. ओके, फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेस देन 1 मीटर. 1 मीटर से कम कौन सा है? पेंसिल, ट्री, house or car. See, in a car, house and tree will be in meters. So, sabse less kaun sa rahega beta answer? Pencil is the correct answer. Now, B1. Please pay attention. Refer to the worksheet. Worksheet leke baitho. B1. Which will be the heaviest? Sabse heaviest kaun sa honga? A. Cotton. C. Popcorn. B. Potatoes. A sack full of potatoes. Ki D wala dry leaves. Ek sack hai, ek bora hai. Ek bore mein sack mein cotton hai. In one sack it is popcorn. In one sack it is potatoes and the leaf. Of course, potatoes is going to be the heavier. Hai na? Aloo bhari hoga na beta. Next, C1. Please pay attention. Weight of a brick. A brick ka matlab hota hai eeta. Aapne eet dekhi na? उसका कितना होगा बेटा? इट विल बी, देखो कभी भी वेट का ग्राम एंड किलोग्राम में रहता है, तो सो ओनली यू सी टू द ग्राम एंड किलोग्राम, और किसी चीज यूनिट में देखने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी 1 किलोग्राम हैवी होता है बेटा. नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग. नाउ आई एम ऑन द D1. नाउ प्लीज पे अटेंशन, रिफर टू द वर्कशीट. हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन. हाइट ऑफ द बिल्डिंग, कितनी बड़ी बिल्डिंग होती है? तो ऑफकोर्स नाउ द जब मेजरमेंट की बात आती है तो इट इज़ इन मीटर एंड सेंटीमीटर. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही है, वो दैट इज ओनली मीटर. सो ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी मीटर एंड बिल्डिंग इज इन मीटर बिकॉज इट्स अ क्वाइट बिग बिल्डिंग. Now we come to the E1. Now the quantity of a liquid is known as, जो quantity होता है, whether it is in a jar, whether it is in a glass, whether in a basket, whether it is in a bucket or in a tank, it is called as a capacity. ठीक है बेटा, now let us continue. ठीक है, now we come to the next one, that is the F1 बेटा. अब देखो F में ध्यान दो, let me zoom. ओके, हु इज हैवियर? देखो टर्टल है एंड वेल है. दिस साइड इट इज टर्टल, आई एम राइटिंग टी, और यहाँ पे वेल, जो ब्लू वेल आती है ना, समुद्र में रहती है. एंड ऑफकोर्स इट इज अंडरस्टूड व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क यू इन द क्लास. आप तुरंत बोलेंगे बेटा टीचर ब्लू वेल इज गोइंग टू इज वेरी बिग. ये इज ऑफकोर्स एंड वन मोर पार्ट. और देखो बैलेंस नीचे ऐसा जा रहा है, जो नीचे जाता है वो हैवी होता है एंड द वन विच इज अप इज वेरी लाइट. ठीक है, तो ये हो जाएगा heaviest, this side. ठीक है, so of course who is heavier? The whale is going to be heavier. Now देखो बेटा ये 4 रूलर है, 1, 2, 3, 4 स्केल में उन्होंने मेजरमेंट कर रहे हैं. द टॉप मोस्ट इज अ स्पेड, उसके नीचे कैटरपिलर, देन उसके बाद में है पेन, एंड देन द लास्ट इज अ पेंसिल. ऑफ कोर्स देखो 0, 1, 2, 3, 4 देखते से ही लग रहा है ना आपको कि स्पेड इज द लॉन्गेस्ट वन. नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर देन 1 kg. ऑफकोर्स जो सबसे भारी होगा, विच इज़ भागी 1 kg, मोर देन 1 kg, दैट इज टेबल. है ना, नाउ वेट. ओके, नेक्स्ट, नाउ वेट, आई विल रीड फ्रॉम द वर्कशीट विच आई एम हैविंग. बेटा आप वर्कशीट को टर्न करिए, आई में आओ बेटा. यहाँ पे लिखा है टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल. अगर आपको पेंसिल मेजर करना है तो आप क्या यूज़ करेंगे? ए रूलर, बी मीटर टेप, सी वेइंग बैलेंस की जग. क्या यूज़ करेंगे? व्हाट विल यू यूज़ टू मेजर द पेंसिल? ऑफ कोर्स टू मेजर द, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आफ्टर वर्ड एल मार्क. टू मेजर द पेंसिल, पेंसिल मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? येस रूलर, ए बी
मीटर टेप, वो जो टेप होता है टेलर के पास में, वो वेइंग बैलेंस हम यूज़ नहीं कर सकते. जग, यस, इट्स गोइंग टू बी अ रूलर. नेक्स्ट, टू फाइंड अ वे ऑफ द वेट ऑफ द थिंग्स. हमको कोई वेट, अगर वजन किसी का लेना है तो हम क्या, कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, ग्राम एंड किलोग्राम. नेक्स्ट, योर हाइट विल बी अबाउट, आपका हाइट कितने में होगा, ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी इन अ सेंटीमीटर, सो इट विल बी 131 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, द थ्री मग्स, थ्री मग्स आई एम ड्रॉइंग हियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, विल फिल अप अ जार, वो एक जार फिल करेगा, ठीक है. सो हाउ मेनी मग्स विल यू बी नीडेड टू फिल इन द फोर सच जग्स, और ये थ्री है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको इमिजिएटली मल्टीप्लाई करना है. 3 × 4 = 12, इट्स गोइंग टू बी 12 बी दी आंसर. सो ऐसा 3 मग्स जो भरेंगे इस टाइप का, 3 मग्स कैन कम्प्लीटली फिल 1 जग. सो 4 जग्स कितना हुआ बेटा, एब्सोल्युटली यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 × 3 = 12, इट्स सो सिंपल. नेक्स्ट, अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल, 10, कभी भी याद रखना 10, आपके आपके फिंगर्स टोटल हैंड्स दोनों में कितने हैं, 10. अगर आप डिवाइड किए दोनों पार्ट में, इक्वल पार्ट्स दोनों हैंड्स में कितने कितने फिंगर्स है बेटा, 5 and 5. सो एग्जैक्ट डिविजन ऑफ 10 इज 5. 5 and सी, लुक एट इट, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर हैंड, 5 1 फिंगर्स एक हैंड में, 5 फिंगर्स एक हैंड में, तो एग्जैक्टली जब आप मिलाएंगे तो ये 10 फिंगर्स हुआ, एंड उसको एग्जैक्टली इक्वली डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, 5 and 5. तो इसको एग्जैक्टली आप 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 पीसेज में तो ये कितना हो जाएगा, ये बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है. नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ वाटर इन अ स्विमिंग पूल कैन बी मेजर. स्विमिंग पूल का पानी तो लीटर में होगा, आई हैव टॉट यू दिस, ओके. एन ऑब्जेक्ट दैट कैन होल्ड मोर वाटर देन अ लीटर, 1 लीटर वाटर किस में जब से आ जाएगा, टब में, ओके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज दिस P1, टू फाइंड हाउ लॉन्ग अ सारी. अगर आपको पता लगाने की कितना है लंबा सारी, तो आप लेंथ लेंगे, वेट लेंगे, हाइट की कैपेसिटी, ऑफकोर्स वी विल मेजर द लेंथ. नेक्स्ट, वॉट इज द वेट ऑफ दिस वाटरमेलन. वाटरमेलन है ना, आपको मालूम है ना, वाटरमेलन पता है ना आपको, तरबूज, ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू बी, वो मेजर दिया है 1, 2, 3, दैट इज इट्स गोइंग टू बी 3 kg, वन नंबर दिया हुआ है बेटा उसमें, ठीक है. नेक्स्ट, राधाज वेट इज 30, दियाज वेट इज 32, एंड सैम्स वेट इज 23. सो हु इज हैवीएस्ट, दिया, जिसका ज़्यादा वेट है वो हैवीएस्ट है, ठीक है. दिस मेंटल एबिलिटी इज ओवर, दैट्स ऑल, थैंक यू चिल्ड्रेन. आई एम गोइंग टू गिव यू, और आई एम गोइंग टू फॉरवर्ड, आई एम गोइंग टू अपलोड वन मोर रिविजन, वन मोर वीडियो ऑफ मैथ्स, दैट इज दिस वर्कशीट नंबर 7, रिविजन ऑफ टेबल्स बेटा, वन मोर, ठीक है. दिस मेंटल एबिलिटी इज ओवर, थैंक यू.